अभी अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 4-5 बड़े अपडेट आ रहे हैं। जी हाँ, क्या आपको बता दोस्तों कि अगले 2 से 3 दिनों में किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, आपके राज्य में मानसून पहुंच चुका है या नहीं, और अगर नहीं तो कब आ सकता है, यानी कि आपके राज्य में भारी बारिश होने की आशंका कब निकल कर आ रही है, अभी देश के किन राज्यों में बाढ़ से क्या क्या हालात गंभीर चल रहे हैं, और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन राज्य के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारी बारिश और बिजली कड़कने से आपको सावधान रहना पड़ेगा, किन किन राज्यों में अलर्ट है। तो आइए दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं आज के मौसम समाचार के इस ताजा वीडियो में। आज का जो वेदर न्यूज अलर्ट आ रहा है, इसके कुछ हेडलाइंस न्यूज में आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए बड़ी खबर, उत्तर भारत में मानसून का इंतजार कर रहे हैं किसान भाई लोग और लोग बाग, और इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से आपके क्षेत्र में मौसम का हाल कैसा रहने वाला वो तो अपन जानेंगे ही। कुल मिलाकर के दोस्तों बिहार समेत इन 5 राज्यों में बारिश अभी चल रही है, और राजधानी दिल्ली में मानसून की मेहरबानी कब से होने जा रही है, आज और कल के मौसम का हाल अपन पूरा जान लेते हैं। जिसमें देखिए, एक तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लगातार 5 दिन भारी बारिश के आसार हैं। 28 जून तक यहां पर मौसम खराब रहेगा, 5 दिन तक यहां पर भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं देखिए झारखंड राज्य में भी अगले 3 दिनों तक बारिश होगी, वज्रपात भी हो सकता है। 25 तारीख से यहां पर मौसम बदलेगा। और इसी बीच मौसम विभाग का जो अभी एक डेटा के अनुसार अनुमान निकल कर आ रहा है, उसके मुताबिक दोस्तों अभी ही सामान्य से ज्यादा मानसून बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग बोला कि इस बार 37% ज्यादा बारिश चल रही है। राजस्थान राज्य में मौसम ने करवट नहीं बदली है, आखिर अगले 48 घंटे तक यहां का तापमान कैसा रहने वाला है। तो दरअसल बात कुछ यूं है ना कि अगले 2-3 दिनों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है ना। तो मौसम विभाग का ये कहना दोस्तों कि राजधानी दिल्ली NCR में तो मानसून अभी भी और 1 सप्ताह लेट पहुंचेगा, दिल्ली के लोगों को 1 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है, और बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में तो पहले से भारी बारिश चल रही है, उसके कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो यहां पर बिहार में 28 जून तक और लगातार बारिश होने की आशंका है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान अगले 2-3 दिनों के अंदर जताया गया है। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का यह कहना है दोस्तों IMD का कि 7 दिन और लग सकते हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के जो बाकी हिस्से बच रहे हैं ना, वहां पर अभी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ चक्रवाती हवाओं में और चक्रवाती वातावरण में इस तरह का बदलाव देखने को मिला कि मानसून अब आगे ही नहीं बढ़ रहा। जिन इलाकों में पहुंच गया वहां तो हो गई बारिश, मतलब अभी भी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इनके कई जिलों में तो बारिश बहुत तेज हो चुकी है, और किसान भाई लोग अपनी फसलें भी बो चुके हैं कई जिलों में, जो मतलब वो मानसून से पहले की सबसे तेज बारिश होती ना, पहली बारिश जिसे बावन वगैरह कहते हैं, उसके बाद खेतों में थोड़ा सा हल्का सा सूखने के बाद फसलें बोई जाती हैं, तो वो कई जिलों में तो मानसूनी तेज बारिश हो चुकी है। लेकिन इन्हीं राज्यों के कई जिले ऐसे हैं, कई क्षेत्र, कई गांव ऐसे हैं जहां पर दोस्तों अभी तेज बारिश नहीं हुई है, तो वहां पर किसान भाई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो उन गांवों के लिए मौसम विभाग का ये कहना कि 7 दिनों तक तो बारिश के आसार दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो अगले 4-5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और राजधानी दिल्ली, इन इलाकों में जहां मानसूनी बारिश अभी आई नहीं, मानसून पहुंचा ही नहीं, तो वहां पर अभी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। राजधानी दिल्ली में भी 26 जून के आसपास मानसून पहुंचेगा, और उसके बाद ये दूसरे राज्य जो मैंने आपको अभी बताए यहां पर भी 26-27 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। बाकी अभी जो देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात चल रहे, उसकी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप मानसून ट्रैकर के तहत देख सकते हैं। बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, बाढ़ की वजह से पूर्वी चंपारण के 52 गांव प्रभावित हैं। 27 जून को मानसून दिल्ली पहुंच सकता है, तो मैंने आपको बताई दिया। लेकिन इसी बीच कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आपके दिल को झकझोर करके रख सकती है। देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही मची हुई है, कई जगहों पर 4 से 10 फीट पानी भर गया। अब ये तस्वीर जो एक आप देख पा रहे, किस तरह से किसान भाई लोग बैलगाड़ी को ले जा रहे हैं, जो इतना गहरा पानी, मतलब पूरी गाड़ी डूब गई, बैल भी डूब गए, उनका मुंह बाहर है यार। वाकई में मतलब कितना ज्यादा पानी सड़क पर, रोड पर भर चुका, अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं ये देखिए प्रशासन, पुलिस विभाग की और NDRF की टीमें भी यहां पर नाव में बैठकर लोगों को बचा रही हैं। ये घर की छतों के बराबर तक पानी भर गया, और तो क्या हो गए। देखिए नाव में मोटरसाइकिल वगैरह को रख करके लोग बाग बच रहे हैं पानी से। बिहार में तो बाढ़ से तबाही मची हुई है, बंगाल में भी बर्बादी का मंजर दिख रहा है, उत्तराखंड में नदियों ने सारी लहदें तोड़ दी है, पहाड़ भी टूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और अब पश्चिम बंगाल, यहां पर भारी बारिश और बाढ़ ने प्रलय सा माहौल बना रखा है। यूपी के भी देखिए इन 16 जिलों में अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कई सारी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। शारदा नदी, घाघरा नदी, राप्ती जैसी गंगा नदी, कई नदियां उफान पर चल रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF और SDRF और PAC की 42 टीमें तैनात करने का आदेश भी दिया। इसके अलावा 222 बाढ़ की चौकियां भी स्थापित की गई हैं, जहां से लोग बागों को सहायता मिल सके। 16 जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा, तो इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें है बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, पीलीभीत,
श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, बिजनौर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बलिया, मऊ वगैरह इनके आसपास के जो 16 जिले हैं ना, यहाँ पर अधिकारियों को बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर 26 नाव और 58 मेडिकल टीम भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई है ताकि कोई घटना दुर्घटना भी हो जाए तो लोगों को त्वरित थोड़ा फर्स्ट एड मिल जाए ना। देखिए कासगंज में भी गंगा ने विकराल रूप ले रखा है, बढ़ रहा है लगातार गंगा नदी का जलस्तर और इसके चलते भी कई गांवों में बाढ़ की दस्तक हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कासगंज कचला में गंगा नदी उफान पर चल रही है, खतरे का जो लाल निशान होता है उसको भी पार कर चुकी है। यूपी बरेली में भी जान माल को बाढ़ का खतरा मंडरा ही रहा है, 44 गाँव में तो पानी भर गया, ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो रहा है और प्रशासन भी लगातार लोगों की सहायता के लिए जुटा हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए आप कुदरती कहर, कुछ राज्यों में तो अभी भी किसान भाई लोग सूखे के चलते परेशान है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं और इन राज्यों में देखिए आप मतलब कितनी ज्यादा बारिश के चलते बाढ़ हो चुकी है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल इन लोगों का कहना दोस्तों कि मानसून के शुरुआत के इतने दिनों में इतनी भारी बारिश और बाढ़ कभी नहीं देखी गई, पिछले तकरीबन 100 सालों का रिकॉर्ड यहां पर टूट चुका है। ओके, तो ये रहे आज दिन भर के तमाम अपडेट्स और वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुँचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। और आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी, छोटे बच्चे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।